हेलो एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो लास्ट लेक्चर सबने ठीक से देखा, सारे कॉन्सेप्ट उसमें के समझ में आए, यानी कि हमारे दोनों कॉन्सेप्ट हो चुके हैं। प्रोजेक्शन फ्रॉम अ टावर के दोनों जो केसेस होते हैं वो हमने डिस्कस किए, ठीक है। एक्चुअली प्रोजेक्शन ऑफ प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अ टावर या फिर फ्रॉम अ हाइट एच, उसके तीन केसेस हैं। पहला केस है प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करना, ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करना और वो आकर ऐसा गिरेगा। इसका दूसरा केस है प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टल से ऊपर एक एंगल पर प्रोजेक्ट करना, ठीक है, ये सेकंड वाला केस है। और तीसरा वाला जो केस है वो हमने क्या देखा था, हॉरिजॉन्टल से नीचे एक एंगल से प्रोजेक्ट करना, तो प्रोजेक्टाइल इस तरह से नीचे आता है और ये वाला एंगल आपको थीटा निकालना था। अब ये तीनों केसेस के अंदर, ठीक है, ये तीनों केसेस के अंदर क्या हमको टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते आता है? यस। क्या हमको रेंज निकालना आती है? यस, निकालना आती है। क्या हमको फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे जो होगी वो निकालना आती है? यस, ये भी आता है हमको। हमको इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी ये भी पता है, ठीक है। और कुछ निकालने जैसा होता है इसके अंदर? नहीं, यहाँ होता है। यहाँ पर हम कहते हैं कि इसके अंदर आपको निकालना होता है कैपिटल एच, वो भी हमको मालूम करना होता है। और ये होता है गिवन हाइट, ठीक है ना। तो गिवन हाइट तो तीनों में होगा आपके पास में। अच्छा चलो एक और बात समझ लेते हैं यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट एक रिजल्ट, कि अगर इन सब को सेम हाइट से अगर फेंका जाए, ठीक है, इन सब को अगर सेम हाइट से फेंका जाए, तो हमने ये देखा था कि अगर इसकी वेलोसिटी u है, इसकी वेलोसिटी ये भी u है ना, u वेलोसिटी है, तो क्या होता है कि ये पार्टिकल जब ये नीचे यहाँ आते हैं तो इनकी वेलोसिटी एट दैट पॉइंट, ये वाले पॉइंट पर वेलोसिटीज कैसी होती है? सेम होती है ना। वेलोसिटीज कैसी होने चाहिए? यहाँ पर अगर मैं इसको लिखूँ, ये फाइनल वेलोसिटी है इसकी v, इसकी फाइनल वेलोसिटी है v, इसकी फाइनल वेलोसिटी है v, v की डायरेक्शन क्या होती है शो कर सकते हो ना, क्या डायरेक्शन होती है? ये vx होता है, ये vy होता है ना, और ये होती है रिजल्टेंट वेलोसिटी। अरे सही बात है कि नहीं है? ग्राउंड पे आने के बाद देख लो जरा, तो ग्राउंड पे आने के बाद ये फाइनल वेलोसिटी होती है। तो क्या इसकी फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू इसकी फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू इसकी फाइनल वेलोसिटी होगी? ये मेरा क्वेश्चन है, लिख के देखना है। इसकी फाइनल वेलोसिटी को कैसे लिखोगे? अंडर रूट ऑफ वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर। सही बात है। वी एक्स कितना होता है? यू के बराबर होता है ना। वी एक्स यहाँ पे कितना होता है? यू के बराबर होता है। और ये कौन है? वी वाई है। ये वेलोसिटी वी निकाल रहे हो, तो आप क्या बोलोगे? वी इज इक्वल्स टू, इसको बोलोगे यू का स्क्वायर प्लस वी वाई को कैसे लिखोगे? हाउ टू राइट वी वाई? वी वाई इज इक्वल्स टू, चलो तो थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन में से ले सकते हो ना, वी वाई का स्क्वायर डायरेक्टली क्या आ जाता है? देखो वी वाई का स्क्वायर, वी वाई का स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू वाई का स्क्वायर प्लस टू जी एच। यहाँ पे यू वाई कितना होता है? इनिशियली यू वाई जीरो होता है, आपको मालूम है ना। ये कौन सा है? ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन है ना, ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन है, इसीलिए हम कहते हैं कि हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन में वी यू वाई का कंपोनेंट जीरो होता है, तो ये जीरो हो जाएगा। ये जीरो हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा? ओनली टू जी एच आने वाला है, किसकी जगह पर? वी वाई स्क्वायर की जगह पर। तो अंदर क्या आ जाएगा? अंदर आ जाएगा टू जी एच, ठीक है, याद रख लो, ठीक है, याद कर लिया। अच्छा अब इसको देखते हैं, इसके पास में यू एक्स कितना होगा बोलो ज़रा। तो यू एक्स की वैल्यू होगी यहाँ पर, इसके पास देखो ये वाला, ये यू वाई यू एक्स, ठीक है ना, तो ये यू एक्स है और ये यू वाई है। यू एक्स की वैल्यू कितनी होती है? यू कॉस थीटा होती है ना, तो इसको लिख देंगे अपन यू कॉस थीटा, ओके। और अपने को क्या निकालना है? यू एक्स ही वी एक्स के बराबर भी होता है ये नीचे आने के बाद, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रिमेन कांस्टेंट, इसीलिए। वी वाई को कैसे लिखेंगे? वी वाई का स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू वाई का स्क्वायर प्लस टू, यहाँ पे जी आ जाएगा तो जी की जगह पे लिखेंगे अपन ए वाई, और डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना होता है? एस लिखो इसको पहले, एस वाई लिखो, फिर वैल्यूज रखो। देखो सर यू वाई की इक्वेशन क्या होती है? यू वाई बोले तो यू साइन थीटा होता है, उसका स्क्वायर लिखो, तो अपन क्या लिखेंगे? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है ना, प्लस इसको लिख देंगे टू
ए वाई की वैल्यू माइनस जी और इसकी वैल्यू माइनस एच, तो माइनस माइनस गेट्स प्लस, तो ये हो जाएगा जी एच, है कि नहीं बात सही है। तो ये किसकी वैल्यू है, वी वाई स्क्वायर की वैल्यू है। अपने क्या चाहिए, वी, वी इज इक्वल टू क्या होता है, वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर, ठीक है। ये और ये दोनों केसेस के अंदर में सेम रहने वाली चीज़, ठीक है ना, कोई चेंज नहीं आने वाला है। इसके अंदर में सिर्फ इनिशियल जो यू वाई आता है ये माइनस हो जाएगा, ऐसे की बात है ना, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। तो फिर हम क्या लिख देते हैं कि इसको लिखा आगे, अगर एक स्टेप और जाती है ना नीचे, ठीक है, ऐसा वी एक्स का स्क्वायर, वी एक्स का स्क्वायर करो तो ये हो जाता है यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वी वाई का स्क्वायर, एज इट इज पूरी इक्वेशन यहाँ रख दो, तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस टू जी एच, है कि नहीं बात सही। तो क्या लिख सकते हो, देखो यू स्क्वायर कॉमन निकालो इसमें से, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, वन होता है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बोले तो वन होता है, बचा क्या टू जी एच बचा और ये यू स्क्वायर बचा, तो अंडर रूट ऑफ क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस टू जी एच। क्या ये इक्वेशन और ये इक्वेशन बिल्कुल सही है और करेक्ट है और इक्वल है, अरे सही बात है कि नहीं। ये भी वेलोसिटी की इक्वेशन है और ये भी वेलोसिटी की इक्वेशन है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे दोनों पार्टिकल जब एक को ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया, एक को हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्ट किया, बट दोनों जब यहाँ गिरे तो उनकी फाइनल वेलोसिटीज इक्वल थी, ठीक है, फाइनल वेलोसिटीज इक्वल थी। और इसको भी देख लेंगे तो आंसर यही आने वाला है। तो एक तो लॉजिक ये हो गया कि मैंने उसको वेलोसिटी से करके बताया, दूसरा लॉजिक सुनो, बाय एनर्जी कंजर्वेशन कैसा करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोले तो, एनर्जी कंजर्वेशन का मतलब ये होता है कि टोटल एनर्जी यानी के काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी रिमेन कांस्टेंट, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी रिमेन कांस्टेंट। अब मेरे को ये बताओ, देखो यहाँ पे अगर मैं आपसे ये पूछूं कि यहाँ से आपका पार्टिकल ऐसे सीधे गया, जाना चाहता था लेकिन वो जाकर नीचे गिरा, कितनी हाइट नीचे गिरा, h, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी बोलो कितना हो जाएगा, तो हम कहेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी इसकी कितनी होती है, वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होता है, mgh होता है कि नहीं बात सही, mgh है ना इसका जो भी मास होगा और वो gh के साथ में नीचे आया, तो mgh इज द वर्क डन बाय ग्रेविटी। अच्छा, इस केस में वो ऊपर जाकर फिर नीचे आया, वर्क डन बाय ग्रेविटी अगेन, क्योंकि ऊपर जाने में ग्रेविटी ने थोड़ा सा वर्क डन किया, लेकिन वो यहाँ जब पहुंचा इस लेवल पर तो वो ये वर्क ऊपर जाकर यहाँ आने में वर्क जीरो हो गया फिर से, और यहाँ से नीचे गिरा तो H के लिए MGH का वर्क डन हुआ, अरे है कि नहीं बस सही। अच्छा, यहाँ पे था तो यहाँ पे भी देखो H हाइट से नीचे गिरा, तो इसीलिए यहाँ पे भी कितना वर्क डन हुआ, MGH का हुआ, मतलब पोटेंशियल एनर्जी तीनों केसेस में कांस्टेंट है कि नहीं बस सही। अगर पोटेंशियल एनर्जी तीनों केसेस में कांस्टेंट है और टोटल एनर्जी रिमेन कंजर्व होती है, ये कांस्टेंट है, तो इसका मतलब है कि ये भी कांस्टेंट होना चाहिए, तीनों की सेम होना चाहिए, और काइनेटिक एनर्जी सेम करने के लिए आपको वेलोसिटी सेम होना जरूरी है कि नहीं बात सही, हाफ एम वी स्क्वायर। तो हमको ये पता चला कि वर्क डन बाय ग्रेविटी अगर सेम है तीनों केसेस के अंदर में, तो हो ना हो ये टोटल एनर्जी रिमेन कांस्टेंट होती है। तो इस तरह का एक रिजल्ट याद रखने का, ये याद होना चाहिए कि पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्ट करो, हॉरिजॉन्टल के ऊपर एक एंगल से प्रोजेक्ट करो या हॉरिजॉन्टल के नीचे एक एंगल से प्रोजेक्ट करो, फाइनल वेलोसिटी हैज़ टू बी सेम, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी हैज़ टू बी सेम, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। टाइमिंग में फर्क पड़ेगा, इसका टाइम अलग होगा, इसका टाइम अलग होगा, इसका टाइम अलग होगा, ठीक है, ऐसा अपन ने केस कल देखा था, ठीक है। यही होता है पॉइंट कि आपको कुछ छोटी छोटी बातें याद रखनी होती है। चलो और कुछ छोटी छोटी बातें याद करता हूँ आपके साथ में, मैं भी याद कर लेता हूँ, आपको भी सिखा देता हूँ, चलो देखते हैं। देखो एक इम्पॉर्टेंट केस, इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है और बहुत अच्छा बनता है, देखो ज़रा, ठीक। और एक का प्रोजेक्टाइल मोशन ऐसा है, ओके, ये बात ध्यान से समझ में आ रही है। इसके लिए लगने वाला जो समय है वो है T1, इसके लिए जो समय लग रहा है वो है T2, दोनों की मैक्सिमम हाइट सेम है, दोनों का मैक्सिमम हाइट कैसा है, सेम है, ठीक है। और एक की वेलोसिटी जिसको हमने यहाँ पर फेंका है, इसकी वेलोसिटी U1 है, और इसको जब फेंका है तो इसकी वेलोसिटी U2 है, ठीक है, समझ लो ऐसे दो वेलोसिटीज है और दोनों को अलग अलग एंगल पर फेंका, इसको अलग एंगल पर, इसको अलग एंगल पर, θ1 θ2 ऐसा जो भी है दिया हुआ है, ठीक है। अपने को यह पूछा है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटीज U1
पहला ऑप्शन है कि यू वन इक्वल है यू टू के, दूसरा है कि यू वन ग्रेटर है यू टू से, तीसरा ऑप्शन है यू वन लेस देन है यू टू से, या नहीं पता। चलो बोलो क्या होगा, यहाँ से लगाओ लॉजिक। दोनों का हाइट सेम जा रहा है, इस बेसिस पे क्या वेलोसिटी पे कमेंट कर सकते हो आप? बोलो जल्दी से क्या होगा, लगाओ आपका अनुमान लगाओ। चलो देखते हैं क्या होगा। अगर यहाँ पर दोनों की हाइट सेम जा रही है ना, हाइट सेम है, इफ हाइट्स आर इक्वल, मुझे ये बताओ कि हाइट जाने का जो रिलेशन है, जो मैक्सिमम हाइट टच करने का जो रिलेशन है, वो कौन सी वेलोसिटी के साथ है? यहाँ पे दो वेलोसिटीज होते हैं, देखो एक होती है यू एक्स है ना, इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, और एक होती है यू वाई, इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन। कौन सी वाली वेलोसिटी ऊपर लेके जाएगी, कौन सी वेलोसिटी आगे लेके जाएगी? तो मैं कहूंगा कि ऊपर ले जाने का काम यू वाई का है और आगे ले जाने का काम यू एक्स का है। तो हम लिखेंगे कि यू एक्स आगे ले जाती है ना, और यू वाई ऊपर ले जाती है। तो बताओ कौन सेम हुआ? देयरफॉर यू वाई वन इक्वल हो जाएगा यू वाई टू के। अरे समझे कि नहीं समझे? यू वाई वन पहले वाले की वर्टिकल कंपोनेंट और दूसरे वाले का वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है? ये दोनों कैसे हो जाएंगे? सेम। अपन ने वो बर्ड वाला एक प्रॉब्लम देखे थे क्या, एक कौवा आकर बैठा था कहीं, तो भी एक कोई तो भी एक बर्ड था ना, आई थिंक क्रोनी बोला था ना हमने, क्या बोला था उसको, कोई तो बर्ड बोला था ऐसे, और दो बॉयज थे और वो दोनों के दोनों उसी को मारते हैं बेचारे को। तो वो दीवार पे बैठा हुआ था, तो दोनों बॉयज का जो है तो वेलोसिटीज का अलग अलग थीटा था अपने पास में, ठीक है? लेकिन उनका वर्टिकल कंपोनेंट सेम था क्योंकि उनको एक ही हाइट पे पहुंचना था, तो इसलिए क्या हो जाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट सेम हो जाएगा, ठीक है? तो ये हो गया हमारा केस कि वर्टिकल कंपोनेंट सेम है दोनों का। अच्छा क्या दोनों का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम है? बोलो। बट यू एक्स वन इज नॉट इक्वल टू यू एक्स टू, है ना? ऐसे लिखू ना, यू एक्स वन पहले वाले की हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दूसरे वाले की हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के बराबर नहीं है। फ्रॉम फिगर क्या दिख रहा है? फ्रॉम फिगर देखो जरा, फिगर में से ये दिखाई दे रहा है कि यू एक्स टू जो है ये ग्रेटर है यू एक्स वन से। अरे है कि नहीं है? क्योंकि यू एक्स का काम क्या होता है, किधर ले जाने का काम होता है उसका, आगे ले जाने का। तो जो ज्यादा आगे लेके जाएगा उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी ना, मतलब। तो पहला वाला आगे लेके जा रहा है कि दूसरा वाला आगे लेके जा रहा है? तो अपन कहेंगे कि दूसरा वाला आगे लेके जा रहा है भाई। अगर दूसरा वाले की रेंज ज्यादा है ना, दूसरे वाले की रेंज क्या है, ज्यादा है, तो मैं ये कहूंगा कि फाइनल वेलोसिटी जो होती है ना, या इनिशियल वेलोसिटीज जो होती है, जो वेलोसिटी हम लिखते हैं वो क्या होती है? अगर वेलोसिटी को देखा जाए तो देखो जरा, वेलोसिटी यू है ना, यहाँ की यू वेलोसिटी यू वन यू टू, तो वेलोसिटी क्या होती है? यू एक्स का स्क्वायर प्लस यू वाई का स्क्वायर। अब यू एक्स तो सेम है दोनों में, है ना? यू एक्स तो दोनों में सेम, सॉरी सॉरी फिर से, यू वाई तो सेम है दोनों में, है ना? दो इक्वेशन आएंगे यू वन की इक्वेशन के अंदर में, यू वन की इक्वेशन में दोनों वन वन होंगे, यू टू की इक्वेशन में ये दोनों टू टू होंगे, ठीक है? तो अगर मैं ऐसा बोलूं कि यू वाई तो सेम है, तो जिसका यू एक्स बड़ा उसकी वेलोसिटी बड़ी होगी। देयरफॉर मैं ऐसा बोल सकता हूं कि वेलोसिटी ऑफ टू इज ग्रेटर देन ऑफ वेलोसिटी ऑफ वन। समझी बात आपको? क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि वेलोसिटी जो होती है वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट का स्क्वायर। समझ लो ना सिंपल बात, एकदम सिंपल भाषा में लिखे बगैर समझ लो। वर्टिकल कंपोनेंट सेम है क्योंकि हाइट सेम है ना, बट रेंजेस अलग है, इसीलिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अलग है। और हमारे वेलोसिटी के अंदर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट दोनों का स्क्वायर करके ऐड किया जाता है। देयरफॉर जिसके हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट ज्यादा होगा वो ज्यादा वेलोसिटी वाला है। तो यू टू की वेलोसिटी क्या होगी? ज्यादा होगी, है ना? यू टू की वेलोसिटी ज्यादा होगी। इसको रेंज के फॉर्मूले में भी लिख सकते थे अपन, रेंज इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट, है ना? ऐसा होता है। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? टाइम ऑफ फ्लाइट के अंदर अगर आप देखेंगे तो ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है उसके अंदर होता है टू यू वाई अपॉन टाइम ऑफ फ्लाइट जी ना, है ना? टू यू वाई बाई जी। अब यू वाई तो सेम है, जी भी सेम है, तो
तो रेंज काय पे डिपेंड कर रही है, यूएक्स पे, जिसकी रेंज ज्यादा उसका यूएक्स ज्यादा, ठीक है, वही समझाने वाली बात है, बस इधर उधर से घुमा फिरा के आंसर मेरे को वही लाना है, ठीक है, आंसर मेरे को वही लाना है कि यू टू इज ग्रेटर देन यू वन। क्या ये रिजल्ट अच्छे से याद हुआ? ठीक है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, क्वेश्चन है आपके सामने, ये ऑप्शन है उसके, और ये क्वेश्चन का आंसर है, कौन सा आंसर है अपना, यू टू ग्रेटर होगा, है ना, यू टू ग्रेटर होगा। अब देखो क्या क्वेश्चन दिया अपने को, क्वेश्चन दिया है कि फाइंड द टाइम व्हेन द वेलोसिटी वेक्टर मेक्स एंगल 82 डिग्री विद द इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, यू, और एंगल कितना दिया अपने को, एंगल दिया है 45 का, यू की वैल्यू भी दिया है उसने, ठीक है, यू की वैल्यू भी दिया वाला है, कितनी है यू की वैल्यू, यू इज इक्वल टू, यहाँ लिख दो क्या, यू इज इक्वल टू 20√2, ठीक है, 20√2 ये वैल्यू दिया है अपने को, टेक यू इज इक्वल टू 20√2, तो ये अपने को मालूम है 20√2 इसकी वैल्यू है, ठीक है। अच्छा अब वेलोसिटी वेक्टर के साथ में, यानी कि ये इनिशियल वेलोसिटी हो गई ना यू, फाइनल वेलोसिटी किधर होती है, देखो यहाँ पर जाने के बाद फाइनल वेलोसिटी इधर होती है कि नहीं, बस से यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी इधर की डायरेक्शन में होती है, यहाँ जाने के बाद फाइनल वेलोसिटी इधर की डायरेक्शन में होती है, तो अपने को मालूम है। अब अपने क्या बोला गया है कि इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन के साथ इसका एंगल कितना बनना चाहिए, 82 डिग्री का बनना चाहिए। मतलब कैसे होगा, देखो जरा, अगर मैं इसको ट्रेस करता हूँ आगे की तरफ ऐसे, तो समझ लो ये कोई एक वेलोसिटी होगी, ये कौन सा वेक्टर है, ये वेलोसिटी वेक्टर है हमारा u, और ये हमारा वेक्टर है v, दोनों के बीच में एंगल कितना होना चाहिए, 82 डिग्री का, बात समझ में आ रही है, ठीक है। इससे पहले हमने कौन सा केस देखा था, 90 वाला केस, यहाँ पे 90, यहाँ पे 90 बन रहा था ना, जैसे हमने उसको नीचे ड्रॉ कर दिया था 90, लेकिन एक्चुअली एंगल कहाँ बनता है, देखो ये ऐसा है ना, वेलोसिटी कैसी निकल रही है, ऐसी निकल रही है, और ऐसे निकलने के बाद क्या हो रहा है, मतलब कि ये आप इसको बोलेंगे कि ये ऐसा निकल रही है, और उसके बाद में क्या हो रही है, ऐसा चेंज होता जा रही है। देखो यहाँ पर अगर ये पार्टिकल यहाँ होता है तो इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी में एंगल यहाँ गिनेंगे ना आप, इनिशियल और फाइनल का नीचे थोड़ी गिनेंगे, ऊपर गिनेंगे ऐसा, और फिर थोड़ी देर के बाद में एंगल ऐसा बदलते 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 ऐसा हो जाएगा, ये देखो यहाँ पर, और ये आपकी ये वेलोसिटी है, ये नीचे वाली वेलोसिटी है, तो दोनों में एंगल कितना होगा, यहाँ पे 82 चाहिए। मैंने पहले वाला जो केस लिया था इससे पहले वो कितना था, यहाँ पे वैल्यू कितनी थी, 90 थी, एग्जैक्टली यहाँ पे 90 और यहाँ पे 90 ऐसा आ रहा था ना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, 82 होगा, ऐसे ऐसा एंगल लेना है हमें, ये वाली वेलोसिटी, ठीक है, ऐसी बात समझ में आ रही है। तो क्या मैं अगर इसको पहले, हम इससे पहले ये मेथड देख चुके हैं जिसके अंदर हमने क्या किया था, ट्रायंगल मेथड लगाया था, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो यू और वी दोनों भी वेलोसिटी वेक्टर है, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लो, तो 90 डिग्री के लिए क्या होता था, डॉट प्रोडक्ट जीरो होता था, इसलिए इजीली सॉल्व हो जाता था। लेकिन अब ये जनरल केस है, इसके अंदर 82 डिग्री बोला है, या कभी कभी 83 डिग्री बोल देगा, कभी कुछ भी बोल देगा, ऐसा कुछ भी एंगल अगर बोल दिया तो कैसे निकालोगे, आज ये शॉर्टकट बताऊंगा, याद रख लेना इसको, ठीक है। क्या करेंगे, देखो जरा, हमारे इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर के साथ फाइनल वेलोसिटी ने 82 बनाया, क्या मैं इसको यहां बना सकता हूं, देखो ये 45 है, तो 45 के साथ अगर मैं एक लाइन ऐसी ड्रॉ करता हूँ और ये बताता हूँ कि नीचे एंगल 45 प्लस 37 कितना होता है, फोर्टी फाइव प्लस 37 कितना हुआ, 82 हुआ ना, है ना, ये हो गया 80, 45 प्लस 37 82 डिग्री हुआ, है ना। यानी कि मेरे को निकालना क्या है, एक्चुअली एक वेक्टर है जो कि इधर नीचे की तरफ जा रहा है 37 डिग्री, तो क्या इसका पैरेलल वेक्टर मैं यहाँ से ड्रॉ कर सकता हूँ, ये देखो, है ना, यही तो है वो। अच्छा इसने हॉरिजॉन्टल के साथ बनाया है ना, देखो जरा, हॉरिजॉन्टल के साथ 37, तो मतलब अगर मैं इस पॉइंट पर खड़े रह के हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करता हूँ और हॉरिजॉन्टल के साथ 37 बना लेता हूँ, है ना, इसका मतलब क्या हुआ, देखो हॉरिजॉन्टल के साथ 37, हॉरिजॉन्टल के साथ 37, मतलब हॉरिजॉन्टल के ऊपर अगर ये एंगल 45 है, ये ऊपर का 45 है, तो ये 45 प्लस 37 कितना हुआ, 82 ना, यहाँ पे लगा दो उसको, अरे है कि नहीं, समझा रहा हूँ सिर्फ बात को समझा रहा हूँ, ठीक है, ऐसा हो जाता है, ये हॉरिजॉन्टल के ऊपर 45 है ना वेलोसिटी, हमारी इनिशियल वेलोसिटी कंपोनेंट, तो इनिशियल वेलोसिटी कंपोनेंट को हम यहाँ पे भी ड्रॉ करेंगे तो कितना आएगा, हॉरिजॉन्टल के ऊपर 45 आएगा, तो मैं क्या बोलूंगा, फाइनल वेलोसिटी हमारी, जो फाइनल वेलोसिटी है उसने हॉरिजॉन्टल के साथ कौन सा एंगल बनाना चाहिए, ये हॉरिजॉन्टल के अंदर में ये वी एक्स होता है, नीचे क्या होता है, वी वाई होता है ना, ऐसे होता है, तो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना बनाना चाहिए, 37 डिग्री बनाना चाहिए, लेकिन हॉरिजॉन्टल से नीचे 37 है कि नहीं बात से, तो देखो जरा ये कितना हो जाएगा, ये आपका वैल्यू है, इसका अगर मैं एंगल यहाँ पे मेजर करता हूँ, देखो जरा ऐसा, तो हॉरिजॉन्टल के ऊपर कितना है 45, तो हॉरिजॉन्टल के नीचे कितना चाहिए 37, तो क्या ये भी ये 37 है,
अरे आया कि नहीं बराबर? ठीक है ना, ऐसे गिनते हैं ना आप। हॉरिजॉन्टल को रेफरेंस बनाया, ऊपर एंगल 45 अगर है तो नीचे कितना चाहिए 37, तो यहाँ बना दो उसको 37, है कि नहीं? बस से ऐसे होता है। अब आपको बाकी की चीज़ें तो मालूम होती है ना। यहाँ पे अगर आपको 37 मालूम है तो क्या मैं इसके लिए टेन लिख सकता हूँ? टेन 37 बताओ, टेन 37 डिग्री, इट इज इक्वल टू टेन 37 की वैल्यू हो जाएगी वी वाई, है ना, वी वाई अपॉन वी एक्स, अरे है कि नहीं बात सही? वी वाई अपॉन वी एक्स। अच्छा वी एक्स कॉम्पोनेंट कितना होगा, यहाँ पे निकालते हैं इनिशियल कॉम्पोनेंट। तो अगर मैं उस क्वेश्चन को थोड़ा और बेसिक लेवल से सॉल्व करूँ और अच्छे से समझने के लिए, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले लिखूंगा इसका यू एक्स कॉम्पोनेंट और इसका यू वाई कॉम्पोनेंट, है ना, इसका यू वाई कॉम्पोनेंट और इसका यू एक्स कॉम्पोनेंट। तो मैं लिखूंगा यू एक्स इज इक्वल्स टू वी एक्स, क्योंकि ये कॉम्पोनेंट बदलता नहीं है, तो इसकी वैल्यू हो जाती है यू कॉस 45 डिग्रीज, है ना, यू कॉस 45। अरे कि नहीं, ये वाला यू कॉस 45 है। यू की वैल्यू कितनी है? यू की वैल्यू कितनी है? 20√2। तो मैं इसको लिखूंगा 20√2 इंटू कॉस 45 इज 1/√2, यानी कि वैल्यू हो गई 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो देर फोर यू वाई की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? 20 मीटर पर सेकेंड। ये भी सेम आने वाला है ना, यू साइन थीटा होता है ये, साइन थीटा की वैल्यू 1/√2 है, यू की वैल्यू 20√2 है, तो इसीलिए √2 √2 गेट्स कैंसिल हो जाता है 20। तो मतलब यू वाई भी 20 है और यू एक्स भी 20 है। यू वाई आपको मालूम, बट वी वाई मालूम है क्या? नहीं। तो जब मैं अगर ऐसे लिखूंगा टेन 37, यहाँ पर आकर मैं टेन 37 लिखूंगा, टेन 37 इज इक्वल टू वी वाई अपॉन वी एक्स। इसमें से क्या मालूम? वी एक्स मालूम है। टेन 37 मालूम है क्या? यस मालूम है। क्यों? क्योंकि देखो साइन 37 की वैल्यू होती है, साइन 37 की वैल्यू होती है 0.6। 0.6 को कैसे लिखते हो? 3/5, है ना, ऐसे लिखते हो। और कॉस 37 कितना होता है? कॉस 37 होता है 0.8, तो इसको लिखते हो 4/5, है ना। तो अगर मैं टेन लिखूंगा तो क्या हो जाएगा? टेन 37 लिखना है तो टेन 37 इज इक्वल्स टू साइन 37, है ना, साइन 37 अपॉन कॉस 37। साइन 37 की वैल्यू कितनी है? साइन 37 इज 3/5 अपॉन कॉस 37 कितना है? 4/5। 5/5 गेट्स कैंसल, तो वैल्यू कितनी आ गई? 10 37 की वैल्यू कितनी आ गई? 3/4 आ गई। वेरी गुड। अगर ये वैल्यू आ गई है तो चलो फिर वी वाई निकाल लेते हैं। तो देर फोर वी वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? वी वाई इज इक्वल टू वी एक्स इंटू टेन 37। तो टेन 37 की वैल्यू 3/4 इंटू वी एक्स की वैल्यू कितनी है? 20। तो वी एक्स की वैल्यू 20 कर दिया, ये 5 3 15 आ गया। ठीक है, तो ये आ गए 15 मीटर पर सेकेंड। तो आपके पास में वी वाई मिल गया है। देर फोर टाइम ऑफ फ्लाइट, सॉरी यहाँ का टाइम बोल रहे हैं ना हम उसका, तो यहाँ का टाइम हम कैसे निकालेंगे? बाय इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन? वी वाई इज इक्वल्स टू यू वाई प्लस ए वाई टी, है ना, ऐसे लगा देंगे इक्वेशन, है ना। वी वाई की वैल्यू कितनी है? वी वाई की वैल्यू 15 है। इज इक्वल्स टू यू वाई की वैल्यू कितनी है? यू वाई किधर गया? कहाँ गया हमारा यू वाई? 20 है, ये 20 है। अच्छा प्लस ए वाई की वैल्यू कितनी होती है? -10 होगी, है ना, -10 इंटू टी। अच्छा एक बार आपको ये बात बताओ, ये वी वाई है, ये नीचे की डायरेक्शन में ना, क्योंकि ये नीचे की डायरेक्शन में, तो ये कितना आना चाहिए था? माइनस आना चाहिए ना, 15 ही है, रहेगी नहीं बात सही? ये नीचे की डायरेक्शन में, तो इसको क्या लिखेंगे? -15 लिखेंगे। आप समझ रही बात आपको? ठीक है, ये -15 है। तो अब क्या हो जाएगा? आपको क्या निकालना है? 10t निकालना है। तो मेरे पास में फिर आंसर क्या बन रहा है? देखो फाइनल आंसर मेरे कैसे बन रहा है, 10t इधर आया, ये 15 इधर आके प्लस हो गया, तो 20 और 15 प्लस में हो जाएंगे इधर, और ये 10t हो जाएगा। तो लिख दूंगा मैं 10t इज इक्वल टू 20 प्लस 15, है ना, ऐसे लिख देंगे। ये हो गया 20 प्लस 15, ये क्या हो गया? 10t। तो t इज इक्वल टू ये कितना है? 35/10, 3.5 सेकेंड्स। ये है मेरा टाइम जिस पर मेरे एंगल जो होगा इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी के बीच में कितना होगा? 82 डिग्री होगा। चलो एक और क्वेश्चन ऐसा लेता हूँ और आपको क्लियर कराता हूँ अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि ये क्वेश्चन ये करने में बहुत ही आसानी है। अगर आप इसको 90 के साथ भी करते हो तो चलता है। ये जनरल केस इसलिए लिया है और ये शॉर्टकट केस है एकदम डायरेक्टली। आप इसके अंदर में क्या करना है? सिर्फ ऊपर का एंगल देखना है कितना है, ये एंगल जो दिया गया है, ये एंगल दिया गया है या नहीं है वो देखना है यहाँ पे, और हॉरिजॉन्टल से ऊपर है तो हमको ये फिर चेक करना पड़ेगा। अगर हॉरिजॉन्टल से ऊपर अपने पास समझो ये 50 डिग्री होगा, समझ लो ये 50 होगा समझो, तो ऊपर 50 होगा तो नीचे कितना चाहिए अपने को? फिर नीचे 32 एंगल चाहिए था, तो नीचे 32 के साथ भी ले सकते हो आप। ठीक है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। लेकिन अगर ऐसा कोई ऑड एंगल आएगा जैसे 32 डिग्री, 33 डिग्री, 35 डिग्री, तो फिर आपको उसके साथ में क्या करना पड़ेगा? उसकी वैल्यूज आपको प्रोवाइड की जाएगी, क्योंकि 37 की वैल्यूज तो आपको याद रख लेना है।
ठीक है, 37 डिग्री, 53 डिग्री, 90 डिग्री, 30 डिग्री और 45 डिग्री, ये स्टैंडर्ड एंगल्स है, तो इनके वैल्यूज तो आपको याद कर लेना चाहिए। क्या मेरी बात ठीक से समझ में आ रही है? दोबारा इसको देखो, घूर के देखो, लिखो पूरा। देखो कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी के लिए फिर से एक, यहाँ से वेलोसिटी है, ऐसा प्रोजेक्ट किया है, ठीक है, ये एंगल 30 डिग्री है, ओके, और आपको बोला है कि एंगल बनाना चाहिए फाइनल वेलोसिटी ने इनिशियल के साथ कितना, 83 का। देखो जरा इसको ऐसा मार्क कर दो, ठीक, ऐसा कर दो मार्क, और उसके बाद में समझ लो कि फाइनल वेलोसिटी का कंपोनेंट आपको कितना चाहिए। तो पहले यहाँ ड्रॉ करके देख लो उसको, ये 30 है, अपने कितने पे जाना है, 83 पे, मतलब अगला कितना एंगल चाहिए, 53, नीचे ले लो उसको, ये एंगल कितना होगा, 53 डिग्री होगा, ठीक है, ये 53 होगा, तो इसका एक पैरेलल एंगल इधर बना देते हैं, यहाँ होगा शायद, वो समझो, है ना, ऐसा, ये वेलोसिटी है, ये फाइनल वेलोसिटी है, हॉरिजॉन्टल के साथ कितना, 53, क्यों, क्योंकि देखो जरा ये एंगल कितना है, 30, तो नीचे कितना चाहिए, 53, है ना, ऐसे ही, तो यहाँ पे कितना है, देखो हॉरिजॉन्टल के नीचे कितना चाहिए, 53 चाहिए, बस इतना आपको आना चाहिए। ये क्या हो जाएगा, ये वी एक्स हो जाएगा, ये कौन हो जाएगा, वी वाई हो जाएगा, वी एक्स यहाँ पे कांस्टेंट है ना, वी एक्स यहाँ से जो निकला था, वी एक्स वही है, यहाँ से जो यू एक्स था वही वी एक्स बन गया उधर जाके, और यहाँ पे जो यू वाई था उसके बाद का एक कंपोनेंट वी वाई आता है, ठीक है, ये 53 हो जाएगा। और अगर आपने ये 30 रखा है तो वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 30 है अगर, तो कुछ भी ले लो वेलोसिटी, वेलोसिटी ले लो 20 मीटर पर सेकंड, है ना, 20 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी ले लो, तो कंपोनेंट क्या हो जाता है, कॉस 30, कॉस 30 कितना होता है, रूट 3/2 होता है, यानी कि 10√3 हो जाएगा, ठीक है, तो यू एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यू एक्स की वैल्यू 10√3 हो जाएगी, क्या मेरे पास सही है। और यू वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो यू वाई बोले तो यू साइन थीटा होता है, साइन थीटा बोले तो 1/2 होता है, ये हो जाएगा 10, तो ये होगा 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है, इस तरह से। तो ये है आपके पास में, समझ लो यू एक्स की वैल्यू और यू वाई की वैल्यू, ये दोनों भी वैल्यू तो आपके पास है, आपको फाइनल वेलोसिटी निकालना है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ता है, इधर जाके क्या करना पड़ेगा, टैन 53 निकालना पड़ेगा आपको, टैन ऑफ 53, टैन 53 निकालना भी आसान है ना, ठीक है, कैसे आसान है, वो कितना होगा उसका वैल्यू, देखो ज़रा इसको लिखोगे आप, साइन 53 अपॉन कॉस 53, अरे है कि नहीं बात सही, साइन 53 बोले तो क्या होता है, क्योंकि साइन 90 इज 1, तो ये 0.8 होता है, 0.8 बोले तो 4/5 होगा, है ना, और नीचे अगर देखा जाए तो ये कितना हो जाएगा, कॉस 53, क्योंकि कॉस 90 की तरफ जा रहा है, तो ये हो जाएगा 0.6, बोले तो कितना हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा, 5/5 के अंदर 4/5, 4/3, ठीक है, 4/3 हो जाएगा। पहले वाले केस में क्या था, टेन ऑफ 37 कितना था, वो 3/4 था, तो टेन 53 कितना होगा, 4/3 हो गया, ठीक है, ये तो याद हो गया ना अपने को, फिर तो टेन 53 अपने पास है, अपने को वी वाई निकालना है अगर, तो अपन लिखेंगे कि फाइनल यहाँ पे अगर मैं आके निकालता हूँ वैल्यू, तो टेन 53 इज इक्वल्स टू, टेन 53 इज इक्वल्स टू वी वाई अपॉन वी एक्स, है ना, तो यहाँ से कितना हो जाएगा वैल्यू, वी वाई इज इक्वल टू वी वाई, यू वाई मेरे को मालूम है, वी वाई निकाल रहा हूँ मैं, तो वी वाई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखो 4/3, टेन 53 की वैल्यू 4/3, है ना, इंटू वी एक्स की वैल्यू, वी एक्स की वैल्यू कितनी है, कहाँ गया वी एक्स, वी एक्स बोले तो यू एक्स से बराबर 10√3 है उसकी वैल्यू, 10√3 है वैल्यू उसके, ठीक, ऐसा हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 40/3 इंटू √3, अच्छा नीचे 3 है, तो क्या मैं ऊपर ऐसे लिख सकता हूँ, ये 40 हो जाएगा, नीचे मैं इसको √3 इंटू √3 लिख सकता क्या, है ना, ऐसा लिख सकता मैं, तो ये वाला √3 इसके साथ कैंसिल हो गया, तो वी वाई की वैल्यू कितनी मिली मेरे को, वी वाई की वैल्यू मिली 40/√3, अरे है कि नहीं, 40/√3 ये वैल्यू है अपने पास में, सॉल्व करने का तो करो, नहीं तो छोड़ दो उसको, मीटर पर सेकंड, चलो वी वाई भी मिल गया। आप क्या करेंगे, आप फाइनल इक्वेशन में जाएंगे, वी वाई लेकिन क्या होता है, नेगेटिव होता है, वी वाई की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है नीचे की तरफ, ठीक है, नीचे की तरफ है, तो अब अपने इक्वेशन में जाओ, फाइनल इक्वेशन क्या होती है, वी वाई इज इक्वल्स टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी, है ना, ए वाई की वैल्यू क्या रखोगे, ए वाई की वैल्यू -10 रख देने का मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, क्योंकि वो ग्रेविटी है ना, वो ग्रेविटी है भाई, माइनस में लगना पड़ेगा उसको, और वी वाई की वैल्यू क्या रख दोगे, वी वाई की वैल्यू को -40/√3 रखोगे, ठीक है, 40/√3 डायरेक्ट ये वैल्यूज रखो और कैलकुलेट करो कितना आता है वो देख लो टाइम, ठीक है, आप ही निकाल लो टाइम उसका कब मिलेगा बोल के। तो हमको आज ये बात पता चली शॉर्टकट तरीके से कि अगर हमको इनिशियल वेलोसिटी मालूम है और इनिशियल एंगल मालूम है, तो हमको अगर ये पूछा जाए कि फाइनल वेलोसिटी ने कितना भी एंगल बनाओ बोला,
कितना भी एंगल, तो उसको यहाँ से चेक करेंगे, ठीक है? क्या उसको यहाँ से चेक करेंगे कि नहीं चेक करेंगे, ठीक है? ये इस तरह से वैल्यूज चेक किए जाएंगे। आगे हमारे को समझ में ये लिखो। अब देखो ये वाला क्वेश्चन दिया है, इसके अंदर क्या है मालूम है फंडा? एक कोई तो टावर है, फाइन, और यहाँ से एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किया है, और वो भी हॉरिजॉन्टली। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ ये है हमारा प्रोजेक्टाइल का पाथ, सही है ना? ये प्रोजेक्टाइल का पाथ है। और उसने बोला है कि वो वाला टाइम निकालो जब जो वेलोसिटी होगी, क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसा भी हो जाएगा ना एक बार, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ऐसा था, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है। हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनाओगे? 45। हॉरिजॉन्टल के साथ जब आपकी वेलोसिटी 45 डिग्री के एंगल पर होगी, तो वो वाला टाइम निकालिए, ऐसा बोला है, ठीक है? ऐसा होता है। तो हमको बोला है कि फाइनल वेलोसिटी जो है वी, उसने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ, यानी कि इनिशियल डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन बोला है ना, तो प्रोजेक्शन का डायरेक्शन तो ये होता है हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल के साथ उसने कितना एंगल बनाया होगा? 45 का एंगल बनाया होगा, तो वो वाली वेलोसिटी मालूम कीजिए, ठीक है? ऐसा बोला है। और ये हाइट कितनी होगी? ऑब्वियसली ये हाइट एच होगी, ये हाइट एच होगी। क्या हमको एच की ज़रूरत है? तो हम कहेंगे कि दिया तो नहीं दिया तो नहीं, तो देखते हैं कि शायद उसकी ज़रूरत ना पड़े। तो अपन वही वाला फंडा लगा लेते हैं अपना, टैन ऑफ 45 है ना, टैन 45 इज इक्वल टू वी वाई अपॉन वी एक्स। क्या हो जाएगा? वी वाई अपॉन वी एक्स है कि नहीं बस से? ओके, देन तो इसमें से वी वाई निकल जाता है, वी वाई इज इक्वल टू टैन 45 इंटू वी एक्स। टैन 45 की वैल्यू 1, वी एक्स की वैल्यू ये यू के बराबर, और यू कितना है? 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये वैल्यू हो जाएगी 20, तो वी वाई की वैल्यू कितनी आ गई? 20, बट लेकिन डायरेक्शन नीचे की तरफ, तो इसको लिखेंगे अपन देयर फोर वी वाई इज इक्वल टू -20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है? ऐसे ले लो, ले लो ना, फर्क क्या पड़ रहा है? फिर इसको एच माइनस बोलेंगे अपन, सबको माइनस ही बोलेंगे फिर, तो अपन माइनस लगा देंगे, तो या फिर प्लस रखना है तो आप प्लस भी रख सकते हो, दैट इज नो प्रॉब्लम इन इट, ओके? तो ये वी वाई अपने को मिल गया। अच्छा, वी वाई की वैल्यू अगर अपने को मिल गई है, तो ज़रा इक्वेशन चेक करते हैं। वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी, वैल्यूज रखो। वी वाई की वैल्यू कितनी है? -20 इज इक्वल टू यू वाई की वैल्यू कितनी है? 0। अरे यू वाई ऊपर 0 होता है ना ये पॉइंट पे, क्योंकि हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन है ना, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू क्या होती है? यू साइन थीटा, थीटा की वैल्यू 0, यानी कि ये वैल्यू 0, ठीक है? माइनस जी, जी की वैल्यू कितनी? 10 इंटू टी है कि नहीं? ऐसा रख देंगे, माइनस माइनस गेट्स प्लस, ठीक है ना? तो ये क्या हो जाएगा? 10 2 सेकेंड, टाइम इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड, 2 सेकेंड बाद है ना, 2 सेकेंड बाद यहाँ से गिरने से 2 सेकेंड बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 45 डिग्री के एंगल पर होगी इनिशियल के साथ, ठीक है? अच्छा, अगर अपने को अगर अगर ये बाय चांस अगर आपको ये बोल दिया जाए कि ये वाला डिस्टेंस जो है, ये सॉरी डिस्प्लेसमेंट जो है, क्या है? डिस्प्लेसमेंट निकालो, अपने को आता है निकालना, आता है ना, ठीक है? इसको क्या बोलते हैं? इसको एक्स डायरेक्शन, एक्स बोलते हैं इसको, और इसको क्या बोलते हैं? वाई बोलते हैं। अपने को अगर टोटल हाइट मालूम है तो अपन वाई भी निकालते हैं, अपन एक्स भी निकालते हैं, और उस हिसाब से फिर आर भी निकालते हैं। आर की वैल्यू क्या होती है? अगर निकालो बोला तो, मैं याद दिला रहा हूँ आपको, ऐसा भी हमने किया है, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर है ना, ऐसा निकालते हैं, वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं इसको, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ऐसा लिखते हैं। तो अपने को ये भी आता है, मतलब ये भी अभी सीख लिया अपन ने, तो सारा पॉइंट अपने को क्लियर हो गया। अभी अपन वेलोसिटी निकाल सकते हैं, अपन डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, अपन डिस्टेंस निकाल सकते हैं, अपन एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है वैसे मालूम है किसी को? एवरेज वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल, याद रख लो, इंपॉर्टेंट है, एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल कितना होता है? यू कॉस थीटा होता है, ये हमेशा कॉन्स्टेंट रहता है ना, इसीलिए, ठीक है? तो यू कॉस थीटा होता है, ये याद रखो। और उसके बाद में फिर हमने क्या बोला कि हम डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, हम फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हैं, हम आप टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकते हैं, हम रेंज निकाल सकते हैं, हम सब कुछ निकाल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है? तो अभी प्रोजेक्टाइल मोशन जितना अपने नीड में आता है उतना तो अपने को सब आता है, ठीक है? अब दो और केसेस बचते हैं, एक है इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल मोशन और एक है कोलिजन ऑफ प्रोजेक्टाइल्स, ठीक है? एक प्रोजेक्टाइल को इधर से फेंका, एक प्रोजेक्टाइल को इधर से फेंका, दोनों भी हवा में जाकर कहीं तो भी आसमान में कोई तो भी एक हाइट पर टकराएंगे दोनों भी, वो हाइट या वो डिस्टेंस पहले वाले से या दूसरे वाले से कितना होगा वो निकालो बोलता है। या फिर ऐसा होगा कि एक प्रोजेक्टाइल को आपने फेंका, वो सामने जाके दीवार पर टकराया, फिर वापस नीचे आके गिरा, तो हमको बोलता है कि जाकर दीवार पर टकराया कितनी हाइट पर, और जब नीचे आकर गिरा तो कितनी हाइट पर,
या कितने दूर पे, दीवार से कितने दूर गिरा, ठीक है, ऐसा पूछता है। तो इस तरह के जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस होंगे वो हमारे नेक्स्ट लेक्चर में रहेंगे, ठीक है। अभी एक और दो कंटिन्यू करते हैं कुछ क्वेश्चंस, और उसके बाद में फिर देखते हैं कि नेक्स्ट लेक्चर में हमारे लिए प्रोजेक्टाइल मोशन क्या नया नया सीखने को लाने वाला है। देखो एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया है क्या दिया अपने को कि टू पेपर स्क्रीन ए एंड बी आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 100 मीटर, अ बुलेट पियर्सेस ए एंड देन बी, द होल इन बी इज 10 सेंटीमीटर बिलो द होल इन ए, इफ द बुलेट इज ट्रैवलिंग हॉरिजॉन्टली एट टाइम ऑफ हिटिंग द स्क्रीन ए, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट व्हेन इट हिट्स द स्क्रीन ए। ठीक, क्या है ये सिनेरियो जरा समझते हैं। ये सीन ऐसा है कि एक पेपर स्क्रीन है यहां पर और एक पेपर स्क्रीन है यहां पर, ठीक है, दोनों में बीच में दूरी कितनी है दोनों के, 100 मीटर की, ठीक है, ऐसी है। ये पेपर स्क्रीन का नाम ए है, इसका नाम बी है। अगर हम बोलते हैं कि यहां पर हिट की है बुलेट ने, ठीक है, यहां पे समझ लो एक गन होगी, और यहां से बुलेट आई है, तो बुलेट यहां पे आई है जब उसकी वेलोसिटी, समझ लेते हैं कि उसकी वेलोसिटी यू है, और वो बुलेट जाकर बी से टकराती है और वो बी में एक होल करती है, लेकिन कितना नीचे, 10 सेंटीमीटर नीचे, 10 सेंटीमीटर नीचे एक होल बनाती है, ठीक है। मतलब एक्चुअली बुलेट का पाथ क्या होगा, ऐसा, यानी कि बुलेट का पाथ अपने को लग रहा है कि ऐसे होगा, है ना, ये है बुलेट आपकी, तो ये बुलेट जो है ये यहां से ऐसा जा रही है, ऐसा जाती है नीचे की तरफ। तो आप बोलेंगे कि ऐसा क्यों होता है, तो मैंने आपको ये केस आई थिंक पहले एक्सप्लेन नहीं किया था कि एक्चुअली ऐसे ही होता है कि जब आप एक बुलेट फायर करते हो तो बुलेट की स्पीड क्योंकि हॉरिजॉन्टल है तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन होता है। कि एक्चुअली बुलेट क्या करती है, अगर आपका टारगेट ये है समझो, और अगर आप टारगेट पे निशाना लगा रहे हो डायरेक्टली, अगर आप गन से, ठीक है, यहाँ पे गन है समझो, उससे आपने टारगेट को देखा और शूट किया, तो एक्चुअली आपकी बुलेट जाएगी टारगेट के नीचे। तो एक्चुअल में क्या करना चाहिए, मतलब अगर किसी जो है तो राइफल बंदा जो है तो शो बोल रहा हूँ मैं, तो समझ लो अगर किसी शूटर को अगर इस जगह शूट करना है तो उसको क्या करना पड़ेगा मालूम है, एम यहाँ करना पड़ेगा, ठीक है, उसको ये देखना पड़ेगा कि 100 मीटर में कितना लैग आता है। अगर 100 मीटर में 10 सेंटीमीटर का लैग आता है तो उसको क्या करना पड़ेगा, टारगेट से 10 सेंटीमीटर ऊपर उसको शूट करना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली गन जो है तो इधर करके शूट करेगा तो वो ऐसा जाएगा, तो पाथ कैसा हो जाएगा सर, ऐसा बराबर से, समझ रहे हैं आप बात को, ठीक है। तो ये एक्चुअल प्रोसेस होता है। तो अभी लेकिन क्या हुआ कि अभी स्क्रीन ए में होल हुआ, यहाँ पे गोली ने हमारे छेद बनाई और जाकर बी में छेद बनाई, और ये देखते हैं आप कि ये जो होल्स है तो ए का होल यहाँ है ये लोकेशन पे, और बी का जो होल आया वो इस लोकेशन पे आया, 10 सेंटीमीटर का डिफरेंस आया है, ठीक है। ये रेड वाला ये भूल जाओ, ये मैं आपको समझा रहा था, कॉन्सेप्ट सिखा रहा था आपको, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है उसके पीछे। अब देखो जरा, हम बोलेंगे कि चलो ठीक है यहाँ पे इतना सब कुछ हुआ है, तो मैं कहूँगा कि यहाँ पे कुछ चीज़ें हमको पता है, क्या हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट पता है, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट उसको रेंज बोल दूंगे उसको, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, SX लिखेंगे उसको, चलो जान दो। हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना है, 100 मीटर। अच्छा वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट बताओ कितना है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऊपर से नीचे कितना आया, 10 सेंटीमीटर, तो 100 मीटर है, तो मीटर के हिसाब से इसको मीटर में लिखा, तो 10 सेंटीमीटर है ना, तो 10 का पावर माइनस 2 मीटर, ठीक है, ऐसे लिख देंगे, यानी कि 0.1 मीटर लिख सकते हैं आप इसको, 10 सेंटीमीटर, ये 100 मीटर, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। उसके बाद हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी अपने को निकालना है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एट दिस पॉइंट ये निकालना है अपने को। अच्छा और कुछ दिया है क्या क्वेश्चन में, नहीं दिया है। इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी कितनी होती है, बोलो बोलो जरा, इनिशियली यहां पर वर्टिकल वेलोसिटी कितनी होती है, जीरो, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इसके बराबर, ठीक है, ऐसे होता है।
और कुछ मालूम करना है? नहीं। एक्सेलरेशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन जीरो, एक्सेलरेशन इन वर्टिकल डायरेक्शन जी, ठीक है। सब पॉजिटिव ले लेंगे अपन क्योंकि केस नीचे की तरफ जा रहा है। तो मैं यहाँ पर दो इक्वेशन लगा के सॉल्व कर लूँगा, पूरा इक्वेशन आ जाएगा अपना। ध्यान से देखो क्या करना है, जो जो चीज़ें हैं उसका यूज़ कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट हुआ है और एक वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो दोनों को इक्वेशन लगा के सॉल्व कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशंस यूज़ करेंगे। तो पहले मैं बोलता हूँ कि हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी का स्क्वायर। ये मैं दोबारा लिखकर बता रहा हूँ, वैसे ज़रूरत नहीं है मेरे को लिखने की। एस एक्स मतलब ये वाला डिस्टेंस इज इक्वल टू, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट होती है इनटू टाइम, और एक्सेलरेशन कितना है जीरो, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाता है, ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, तो बचेगा क्या, यू एक्स इंटू टी। तो यू एक्स विल बी इक्वल टू यू एंड इट इज इक्वल टू एस एक्स अपॉन टाइम ऑफ फ्लाइट। तो एस एक्स कितना है 100 अपॉन टाइम ऑफ फ्लाइट, नहीं मालूम, बस इसी इक्वेशन को याद रखो, ठीक है। ये है हॉरिजॉन्टली। अच्छा अब देखो वर्टिकली कितना है, वर्टिकली, वर्टिकली कहाँ होगा, देखो जरा, रे बोलो जरा इक्वेशन बोलो, एस वाई इक्वल्स यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी का स्क्वायर। एस वाई की इक्वेशन बोलो कितना नीचे आया, 10 सेंटीमीटर, 10। अगर आप इसको माइनस लोगे ना तो फिर जी को भी माइनस लेना, लेकिन मैं सबको प्लस लेने वाला हूँ। ये तो जीरो होने वाला है क्योंकि यू वाई की वैल्यू जीरो है, मैंने लिखी है, तो ये वैल्यू जीरो हो गई है। बचा क्या, हाफ ए वाई की वैल्यू 10, टी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे, कौन सी बड़ी बात है। तो क्या हो जाएगा, ये 10 से 10 चले गया, टी स्क्वायर की वैल्यू 2, यानी कि टी की वैल्यू कितनी हो गई, टी स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्टली पुट कर देंगे 2, देयरफॉर टी की वैल्यू कितनी हो गई, √2, है ना भाई, अरे है ना भाई, अरे बोलो। नहीं, एस वाई की वैल्यू कितनी है, एस वाई की वैल्यू 0.1, तो मैं इसको लिखता हूँ 0.1 मीटर इज इक्वल टू, ये कितना हो गया जीरो प्लस 1/2, क्योंकि इसकी वैल्यू मैं 9.8 या 10 रखने वाला हूँ ना, तो इसकी वैल्यू मैं 10 रखने वाला हूँ। अगर ये मीटर में तो ये भी क्या चाहिए, ये भी ऐसा यूनिट में चाहिए, इसलिए इसको 0.1 किया इंटू टी का स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 0.1 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू टी का स्क्वायर, सही बात है कि नहीं। 10^1 ऊपर जाएगा 10^-1, ये हो जाएगा 0.2, 0.02। देखो ये वैल्यू है, इसको टी को ऐसे लिखो क्या, अंडर रूट ऑफ 2 × 10^-2 लिखूँ ना, ठीक है, ऐसे लिख सकते ना, क्या मसला है, कुछ नहीं ना। इसका डेसिमल शिफ्ट कर दिया 2 बार, 10^-2। तो अगर 10^-2 क्योंकि इवन नंबर है, इसीलिए जब रूट के बाहर निकलता है तो क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है वो। तो टाइम कितना आया हमारा, देयरफोर हम बोल सकते हैं कि टाइम आता है हमारा √2 × 10^-1, ठीक है, ये है हमारा टाइम। चलो फिर यू निकाल लेते हैं, देयरफोर यू इज इक्वल टू, मैंने √2 की वैल्यू इसलिए नहीं निकाली क्योंकि मेरे को यहाँ काम आने वाली, कैसे, देखो यू इज इक्वल टू 100 / √2 × 10^-1, ठीक है। अब ये 10^-1 ऊपर जाएगी कितना बन जाएगा, +1, तो ये कितना हो जाएगा 1000, तो यू इज इक्वल टू 1000 / √2, ठीक है, 1000 / √2। अगर अब ये 1000 / √2 है तो एक्चुअली √2 जो होता है ना, याद रख लो वैल्यू को, मैं यहाँ लिख के बता दूंगा, इधर लिख देता हूँ, कहाँ लिखो, ये दिख रहा है ना, √2 इज इक्वल टू 1.414 होता है, और 1/√2 की वैल्यू 0.707 होती है, ठीक है, ऐसा याद रख लो, बस ये स्टैंडर्ड है, ये याद रख लो आप। तो फिर मैं क्या बोलूँगा, 1/√2 × 1000 है ये, तो मैं इसको लिखूँगा 1000 × 1/√2, यानी कि 1000 × 0.707। तो फाइनल आंसर क्या हुआ, U इज इक्वल टू, इसे 10^3 है ना, तो ये आगे ले लो, 707 मीटर पर सेकेंड, ये आंसर है उसका, ठीक है, क्या ये बात अच्छे समझ में आई, ओके।